में। पाई में वजू शामिल

इजा तुम तुम इलासलाती जब तुम नमाज के लिए खड़े हो फूहकुम तो तुम अपने चेहरों को धुल लो वकुम इलामराफी और अपने हाथों को धुल लो कोहनियों तक वम सहू बेरोम और अपने सरों का मसह कर लो वो अर जुलाकुम इलाकाबीन और अपने पैरों को धुल लो टखनों तक

हदस से बिल्कुल हदस से ना फिर वजू हर वजू तोड़ने वाले हदस से इजा हम अराद जब वो चाहें कि नमाज पढ़ें यानी जब नमाज पढ़ना चाहें तो अगर कोई हदस लाहिक हुआ है जो वजू को तोड़ देता है तो उससे वजू कर ले वह अखबार और आपने हुकुम दिया आपने खबर दिया

दुनिया से नहीं गए यहाँ तक कि उनके लिए बयान फरमा दिया जमी अहदासनाखा तमाम वो अहदास को जो तोड़ते हैं लिलव़ू वज़ू को क़िलान व आमला की सूरत में भी और अमल की सूरत में भी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू तोड़ने वाले अहदास को सुबान से भी बयान फरमा दिया और अमल से भी उसको करके दिखाया वो तर कहुम अलासिल्बा इला वन रूह सवा और आप उनको एक रोशन शाहरा पर छोड़ गए जिसका दिन और जिसकी रात बराबर है ये तमहीद है तमहीद में ये बात कही जो मैंने तर्जुमा भी किया है जिसे इबारत का जल्दी जल्दी किया है उसमें जो बात कही गई वो ये कही कही गई है कि वज़ु जो है अल्लाह से रबत की चीज़ों में से एक अहम चीज़ है जैसा कि बावज़ू रहने की फजीलत है यानी मुतलक बावज़ू रहने की फजीलत है और जैसा कि नमाज पढ़ना है तो उसके लिए वज़ू है और जैसा कि जवाज से हट करके बेहतर यह है कि आदमी को तिलावत करनी है तो उसके लिए भी वजू है तो वज़ू को या मालूम हुआ कि एक अल्लाह की कुर्बत हासिल करने वाली चीज़ों में से एक चीज़ है एक बात बताई दूसरी बात यह बताई कि यह ईमान का हिस्सा है और सफाई आधा ईमान कहा गया तो सफ़ाई जिस तरह नहाने से होती है उसी तरह सफाई वज़ू से भी होती है ये दूसरी बात बताई फिर इन दोनों बातों के लिए दलील दिया कहा देखिए जैसा कि नमाज जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दिया कि नमाज़ पढ़ना है तो वज़ू करो और अल्लाह के रसूल ने हदीस में हुक्म दिया कि जब किसी को हदस लाइफ हो जाए यानी वो हदस जो वजू को तोड़ता है जिससे वज़ू टूटता है जैसा कि आपको मालूम है तो वो वजू करे और कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में से जाने से पहले आपने क्या क्या चीज़ें वज़ू को तोड़ देती हैं उनको बयान फरमा दिया कोई चीज़ छोड़ा नहीं ज़ुबान से बयान फरमाया और आपको ख़ुद लाही हुआ तो आपने उस अमल भी किया और एकदम बिल्कुल क्लियर बात पे उम्मत को छोड़ के गए अब इस तमहीद पर जो बात निकल के आ रही है तो फिर ये होना चाहिए कि भाई तब तो कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए तब तो कोई इख्तिला नहीं होना चाहिए तो इसी पे बात ला रहे हैं वो माह हाजा कुल्ली और इन तमाम बातों के बावजूद यानी अल्लाह के रसूल बता के गए आप क्लियर करके गए वज़ू को क्या चीज़ तोड़ती है उसको आपने बताया वज़ू एक अल्लाह से करीब कर देने वाली चीज़ों में से है ये सारी बात ठीक है अपनी जगह पे इसमें कोई शुबा नहीं है लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद जो मैंने अभी बताया है ऊपर फाहम कदीमीसम अख्तलाफू लम्स मरअती हल हुआ नाक़ू हमला ऊपर जो मैंने बताया इन तमाम बातों के बावजूद पहले और बाद में नए ज़माने में और पुराने ज़माने में हर ज़माने में अहले इल्म ने औरत के छूने के मसले में इख्तलाफ़ किया है कि क्या उससे वज़ू टूट जाता है या नहीं टूटता है क्या इन तमाम हकीक़तों के बावजूद इस मसले में इख्तलाफ़ है वो क्या है औरत का छूना उससे वज़ू टूटता है कि नहीं टूटता है अब मुख्तसर में बता रहे हैं अमिन उम कला बिन नक् कशाफी सवा काना बिशाहन अम बैरी शाहवत तो इमाम शाफी और उनके मानने वाले यानी शाफी मजहब में नक्ज का फतवा है तो उनमें से कुछ लोगों ने नक्ज का फतवा दिया है जैसे शाफी लोगों ने चाहे औरत को ख्वाहिश से छूए चाहे बगैर ख्वाहिश के उसको शहावत यानी यहाँ शहावत आया है कि चाहे शहावत से छुए, चाहे बगैर शहावत के छुए यानी चाहे किसी ख्वाहिश और चाहत से छुए चाहे बगैर ख्वाहिश और चाहत के छुए शाफाइया के यहाँ वज़ू टूट जाएगा एक कौल इख्तलाफ में एक कौल दूसरा कौल मन उमन कला बतमिन नकजी मतलकन का अहनाफ और उनमें से कुछ ने कहा कि मतलब तौर पर वजू नहीं टूटेगा जैसे अहनाफ ने यानी मतलब तौर पर वजू नहीं टूटने का मतलब ये है कि, कि एनी सूरत कोई भी हो कोई भी सूरत हो नहीं टूटेगा चाहे ख्वाहिश छुए चाहे बगैर ख्वाहिश के छुए किसी भी तरह छुए औरत को छूने से वसू नहीं टूटेगा ये किसने कहा अहनाफ ने कहा हन्फियों ने कहा हाँ अमलन तो नहीं है अमलन अमलन नहीं है लेकिन उनके किताबों का फतवा यही है उमैन उमनकाल और उसमें से कुछ लोगों ने कहा इन कानल मसुब बेशहवतिन अगर मस छूना शहवत से है फहआ नाख तब वह वज़ू का नाकिज है यानी उससे वजू टूटेगा वह कन व शाहवत और अगर शहवत से नहीं है फलाज़ तो वज़ू नहीं तोड़ेगा वो कल्हा जैसे हम बलियों ने तो तीन सूरत हुई खुलासे में इख्तलाफ में पहली सूरत अब इंशाल्लाह आप किताब की इबारत का तर्जमा नहीं करूँगा इतना किया मैं ताकि कुछ एवा किताब से और उसके तर्जमे से भी जुड़े रहें तो गोया तीन बातें मालूम हुई पहली बात ये मालूम हुई कि कुछ लोगों ने ये कहा है कि वज़ू टूट जाएगा औरत को छूने से वज़ू टूट जाएगा ये बात कौन लोग कहते हैं शाफाई हजरात कुछ लोगों ने कहा वज़ू नहीं टूटेगा बिल्कुल जैसे अहनाफ़ ने कहा तो अनाफ का तो अमल है उसी पे, यानी कि वज़ू नहीं टूटेगा पे आपने जो पूछा नहीं वो तो अहनाफ का तो अमल है भी, बेल भी वही है और अमल भी वही है अहनाफ के यहाँ वज़ू नहीं टूटेगा तो अहनाफ उसी पे हैं, ना टूटने वाले मसले पे। अच्छा लेकिन अमल अहनाफ में से लेकिन अमल में भी कौन हनफी जो है और होने के बाद वजू करता है ऐसा तो इत्तेफाक नहीं हुआ कि घर में गया और कहीं छू गया हाथ तो वो वजू करता हो ऐसा तो कोई हनफी करता नहीं इक्का दुक्का होगा कहीं करते होंगे लेकिन आम तौर पे जैसे हम लोगों के घरों में भी ना हैं तो देखा नहीं कभी बारहा है लेकिन उसकी वजह से वजू ना कभी सुना ना कभी करते देखा एक, एक क्योंकि को छोड़ तो दिया उस दर्ज में उन्होंने खुद कहा कि वो इस छापे के इमाम छापे के फतवे पर अमल करें अच्छा मुमकिन है तो यह, यहाँ पे तो इन्होंने ये नकल किया कि इनके यानी अहनाफ का फतवा दूसरा कि नहीं टूटता तीसरा हनाबिला का मसलक है वो ये है कि वो फ़र्क करते हैं तफसील करते हैं सूरत बताते हैं कि अगर ख्वाहिश से छुआ है तो टूट जाएगा और अगर बगैर ख़्वाहिश के छुआ है तो नहीं टूटेगा ये तीन बातें इस मसले में आई हैं अब आइए देखते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि वज़ू टूट जाएगा उनकी क्या दलील है और जो लोग ये कहते हैं कि वज़ू नहीं टूटेगा उनकी क्या दलील है तो क़ुरान में सूरह माईदा की आयत नंबर छः है अवला मस्त मुन्नसा या तुमने औरतों से को छुआ हो असल में लमसा का माना होता है छूना और एक लामसा यूला मुलामसा आपस में एक दूसरे को छूना छूने का माना यह भी देता है तो अवला या तुमने औरतों को छुआ हो तो औरतों को अगर तुमने छुआ है तो तुम्हें पाकी इख्तियार करनी पड़ेगी सुरम मायदा आयत नंबर छः में है इन्होंने आयत का एक टुकड़ा ही दिया है तो ज़रा सा मैं पूरी आयत जो है पढ़ता हूँ ताकि ज़्यादा वाज हो सके बाद आप लोग भी चाहें तो सरा मायदा की वो आयत सामने रख लें जी 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 Okay. हाँ इसमें यादिन आमनकुम तमिल फ़सिल वजूहराफ़ इकम सोबे सिकमरजुक मिनलकाबिन ओैन कुल तुम जुनबन फ़त्न तुम मरदा वाला सफरिनद्नकुमिल्ग़त औला मस्तुमनसाफ़लम तजुदुमा अन फ़त मम सदन तयबा ये यहाँ पे यानी कि जो बहुत सारी वजहें बताई हैं जिससे वजू टूटता है जैसे आदमी बाथरूम गया और वहाँ से तो बाथरूम से भी वजू टूट जाएगा और जो है पाकी नहीं रह जाएगी अवला मस्त तमनसा या तुमने औरतों को छुआ हो ठीक है तो इसमें भी तहारत का हुक्म है औरतों को छूने से तो यहाँ पे कुरान की आयत में औरतों को छूने से तहारत का हुक्म है तो कहा देखिए यहाँ पे कुरान में है कि औरतों को अगर तुमने जैसे जिन बातों से तहारत की ज़रूरत है तो उन्हीं बातों में एक बात यह भी है कि औरतों को छूना और इसका साफ माना है छूना यानी इसमें कोई शक भी नहीं है कि मुलामसा का मतलब छूना ही होता है तो कहा कुरान में साफ़ मौजूद है कि या औरत को तुमने छुआ हो तो पाकि इख्तियार करनी पड़ेगी तो कहते हैं ये दलील है उनकी अब मैंने उस दिन बताया था वजह इस्तिदलाल तो दलील है अब वजह इस्तिदलाल क्या है इसे कभी कभी कोई बात नहीं क्लियर हो तो पूछ सकते हैं जी मान लीजिए कुछ लोग थे तो मैंने बताया था ये लफ्ज़ तो वजह इस्तिदलाल कहा वजह इस्तिदलाल क्या है तो कहाँ इन लोगों ने आ, जो लोग जो लम्स है इसको हाथ से छूने को भी माना है और जमा को भी माना है यानी छूने से मतलब जमा भी है और छूने से मतलब ऐसे टच करना भी है ऐसे छू दिया तो ये छूना भी इसमें दाखिल है क्योंकि छूने का लफ्ज़ तो है तो छूने का जब लफ्ज़ है तो छूने से सबसे पहले तो छूना मुराद होगा और छूने के बाद फिर जमा मुराद होगा तो कहा जमा जैसे मुराद है इसमें वैसे ऐसे छू देना भी मुराद है और वो लफ्ज़ तो है ही है कुरान में तो इसमें वजह वो वजह वो इस्तेदलाल क्या होता है कभी पोशीदा होता है और कभी जाहिर होता है तो जब पोशीदा होता है तब तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है लेकिन जब जाहिर होता है तो किसी एक्सप्लेन की ज़रूरत नहीं रहती तो यहाँ छूने का लफ्ज़ आया है तो अब वजह इसदलाल यानी दलील कैसे पकड़े या दावा और दलील में क्या ताल्लुक है ढूंढने की जरूरत ही नहीं है छूने का तस्कर आया और हम भी कह रहे हैं कि छूने से वजू टूट जाएगा तो बात एकदम क्लियर है इसमें ताल्लुक ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है जैसा कि मैंने बताया था जो लोग नहीं है उनके थे उनके लिए बता रहा हूं कि वजह इसदलाल का मतलब क्या होता है कि वजह इसल का मतलब ये होता है कि आपके दावा और आपकी दलील में ताल्लुक़ क्या है उसी ताल्लुक को सादा अल्फाज में कहूँ मुझे इश्तलाल कहते हैं अच्छा तो एक दलील इनकी है कुरान की आयत जो कहते हैं कि वजू टूट जाएगा दूसरी कहते हैं कि कुछ ज़ईफ आसार और अहादीस हैं उनसे भी दलील पकड़ा है इन्होंने यानी एक तो कुरान की आयत है और दूसरी दलील है जो हैं वो ज़ईफ अहदीस और आसार हैं जैसा कि एक रिवायत है जो इमाम अहमद ने जिक्र की है कि किन्ना रज़जमिन उम्राती ही माया अज़ुरजूलिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला व्ल सल्ली कि एक आदमी औरत से औरत को वैसे ही छूता है जैसे आदमी औरत को छूता चू, चू, है यानी जिस तरीके से एक मर्द एक औरत को छूता है वैसे कोई औरत को छूता है शर्मगाह के अलावा तो इसमें क्या मसला है अल्लाह के रसूल से पूछा कि एक आदमी है और खातून को छूता है और वो छूना कैसा है जैसे आदमी अपनी बीवी को छूता है सिवाय शर्मगाह के तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि तवजा सली वज़ू करो फिर नमाज़ पढ़ो ये मुस्न्द अहमद में रिवायत है और सुनंदार कुतनी में भी ये रिवायत है तो इस रिवायत के बारे में उलमा जो नीचे की इबारत खालद शौकानी फिन नैल लिखा है वो उस इबारत में उस इबारत का ख़ुलासा यह है कि उसमें वो बता रहे हैं कि यह रिवायत मुनकते है यह रिवायत मुनक़ते है क्यों मुनक़ते है शार्ट में उसकी एक वजह कि इसमें एक रावी हैं अब्दुलरहमान वो रिवायत करते हैं किससे मुआज से तो जो इसके माहिर हैं कि रिवायात की सनत के जो माहिर हैं वो बताते हैं कि अब्दुल रहमान ने मुआज से सुना नहीं है सुनना साबित नहीं है अब्दुल रहमान का अब्दुल रहमान का सुनना मुआज से साबित नहीं है फिर भी वो मुआज से रिवायत कर रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि बीच में कोई आदमी छूट रहा है अब बीच में जो आदमी छूट रहा है वो कैसा हो क्लियर नहीं है तो इसलिए रिवायत मुनकते हो गई इसी तरीके से आ, कहीं कहीं जो है ये रिवायत जो है मुरसलन भी बयान हुई है तो ये तो दो वजह हुई ये तो सनद की वजह हुई ना यानी सनद में गड़बड़ी है माना में भी गड़बड़ी है क्या माना में गड़बड़ी है कि यही मेन देखिए एक होता मेन वाकया मेन वाकया तो मेन वाकया जो है वो बुखारी और मुस्लिम में भी है मेन वाकया बुखारी मुस्लिम में क्या मेन वाक भाई आदमी है और उसने औरत को छुआ और शर्मगाह तक नहीं गया तो इस छूने पे क्या है तो ये मेन वाकया मेन वाकया हुआ तो ये पूरा असल वाक़ मौजूद तो तो है और उसमें वज़ू का हुक्म नहीं है उसमें वज़ू का हुकुम नहीं है इसमें वज़ू और नमाज का जिक्र मौजूद नहीं है तो अब क्या क्या मसला हुआ कि जो असल वाक़ है वो जीफ़ सनद से भी है और सही सनत से भी है मगर सही सनत में वज़ू नमाज का तस्करा मौजूद नहीं है और जयफ़ सनत में वज़ू और नमाज का तस्करा मौजूद है तो सही रवायत के मुखालिफ हो गया कि नहीं हो गया हाँ ये ये जो यानी कि जो रवायत ज़ईफ है ये सही सनद के मुखालिफ भी हो गई एक तो सही सनद के सही रवायत के मुखालिफ हुई और दूसरे इसकी सनद में इनकता भी पाया गया तो कुल मिला करके रिवायत दलील लेने के काबिल नहीं रह गई अच्छा ये तो हमने देखा इस लिहाज से कि दलील क्या है किन की जो कहते हैं वो जू टूटेगा हाँ तो उनकी दो द, दो किस्म की दलीलें हैं दो दलीलें नहीं दो किस्म की दलीलें हैं एक दलील तो कुरान की आयत उलामस्तमनिस दूसरी कई दलीलें हैं जो आसार हैं और अहदीस हैं लेकिन सब ज़ीफ़ हैं और बतौर मिसाल मुसंद अहमद की एक रिवायत यहाँ जिक्र की गई तो उस रिवायत की सनद में इनकता है और वो रिवायत बुखारी और मुस्लिम में जो मजकूर है उसके खिलाफ भी है अब आइए दूसरा देखते हैं दूसरा मसला कि ये है दूसरा मसला कि वज़ू नहीं टूटेगा आ, थोड़ा सा बाद में सोइएगा इन बस वक्त ख़त्म हो रहा है तो आ, वजू नहीं टूटेगा पहला मसला था कि वजू टूट जाएगा इसकी क्या दलील है दूसरा मसला है वज़ू नहीं टूटेगा इसकी क्या दलील है तो चाह जिन लोगों ने कहा कि वज़ू नहीं टूटेगा उनमें अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं है ना और इसी तरीके से इमाम अहमद बिन हम्बल भी उसी के कायल हैं और इमाम मालिक भी उसी के कायल हुए और इमाम वनी भी उसी के कायल हुए यानी शाफैया को छोड़ करके बाकी तीन जो अम्मा हैं वो किसी ना किसी सूरत में इसी बात के कायल हैं कि वज़ू नहीं टूटेगा वतदल्ल बीमा बिमा रवाहु न सया और इनकी दलील क्या है जो कहते हैं औरत को छूने से वजू नहीं टूटेगा उनकी दलील क्या है तो उनकी दलील सुनने नसई की रिवायत है वो क्या है कि रसूल कहती हैं कि रसूल के रामी समाज पढ़ते थे और मैं चौड़ाई में ऐसे लेटी होती थी जैसे जनाजा होता है सामने यानी जनाजा कैसे होता है इस तरह होता है जनाजा ऐसे तो जैसे जनाजा सामने होता है ऐसे मैं सामने साइड में लेटी रहती थी और बाकी पीछे खाली जगह में अल्लाह के रसूल अपना नमाज़ पढ़ रहे हैं अच्छा इसमें कोई मसला भी नहीं है जैसे भाई देखिए हम मस्जिद में भी ना किसी के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं कोई आगे बैठा हुआ है उसके हाँ उससे कुछ मसला नहीं हमको तो अब मैं आयशा लेटी हुई हैं और अपना जो जगह खाली है अल्लाह के रसूल उसमें नमाज़ पढ़ रहे हैं अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब देखिए रुकू तक तो कोई मसला नहीं है अब अगर जगह का मतलब सजदे में थोड़ा मसला है तो अल्लाह के रसूल को जब थोड़ा सजदे में जाना है या कोई तो आप जैसे क्या करते कि पैर से ज़रा सा अच्छा ठोक देते इशारा कर देते तो अम्मा आयशा जो है अपना पैर जो है समेट लेती और फिर अल्लाह के रसूल सजदे में चले जाते अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें अब इसमें वजह वजह इस्तेदलाल आप लोग बताइए वजह इस्तेदलाल आप बताइए आप लोग बताइए Allah के रसूल नमाज पढ़ रहे हैं अम्मा आयशा लेटी हुई हैं और क्या नाम है जब आपको सजदे में जाना है तो आपको जरा पैर से इशारा कर दे रहे हैं हाँ अब इसमें टच हो गया हाँ हाँ टच हो गया तो अब टच हो गया तो टच होने अगर टच होना छूना वज़ू को तोड़ देता तो फिर अल्लाह के रसूल का भी वजू टूट जाता यही वजह इस्तेदलाल है तो ये दलील है और ये वजह इसदलाल है वजू ना टूटने की अच्छा और इसी से यह भी कहा कि इससे पता चलता है कि आयत में जो छूना है उससे जमा मुराद है आयत में छूना जो है उसे क्योंकि आयत में छूने का जाया कि नहीं आया और उसी छूने से उन लोगों ने कहा ना कि छूने से वजू टूट जाएगा तो ये दलील है वजू ना टूटने की और यही दलील है इस बात की कि कुरान में जो छूना है उससे मुराद छूना नहीं है कह क्यों कैसे पता चला कि अगर छूने से मुराद सिर्फ छूना होता तो अल्लाह के रसूल का भी वजू टूट जाता लेकिन अल्लाह के रसूल ने वजू नहीं किया तो इसका मतलब है कि वहाँ छूने से दूसरा छूना मुराद है क्योंकि अल्लाह के रसूल ने नमाज में अम्मा आयशा को छुआ और नमाज अपनी जारी रखी तो ये एक दलील हुई ऐसे दूसरी दलील वो क्या है वो भी मुसनद अहमद में है सुन नबी दाऊद में है सुन माजा में है किन्ना रसूल अल्लाह काना कब्बिलहदाज उजाती वाय तवसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किसी बीवी को बोसा करते और नमाज पढ़ते और वजू नहीं करते बोसा करते नमाज पढ़ते और वजू नहीं करते अब इसमें जनरल छूने की हद को क्रॉस किया गया है यानी आम एक, एक होता है सिर्फ टच होना और यहाँ टच सिर्फ टच होने से आगे है यानी उसमें इंटेंशन भी मौजूद है ये, ये, ये जनरल हालात में है ये जनरल हालात में है तो इसमें ए, एक तरह की यानी कि एक इरादा भी एक किस्म का है ऐसा नहीं है कि चल रहे हैं तो छू गया बैठे हुए हैं तो साथ में तो छू गया यानी बाकायदा इरादे के साथ छुआ है यहां पे लेकिन अल्लाह के रसूल ने वजू नहीं किया तो इस हदीस में की शरा में या अल्लाह हजरत अब्दुल्ला इबन अब्बास का एक कौल है ये सोलमसो वमुबाशरतल जुमां के छूना टच करना वलमुबाशरा यानी ये तीन जो अल्फाज हैं लम्स मस मुबाशरत कहा इन तीनों से मुराद जमा है इन तीनों से मुराद जमा है नल्ला किन बिमा यशा लेकिन अल्लाह ताला जिससे चाहता है कि नाया करता है यानी अल्लाह ताला ने छूने का लफ्ज इस्तेमाल किया है तो छूने के मतलब को ये ना समझे कि टच होना मुराद है छूने से मतलब जमा है लेकिन अल्लाह ताला ने जमा कहने के बजाय इशारे में जमा कहा है इशारे में क्योंकि आदमी जब किसी बात को बयान करता है तो एकदम दो टोक नहीं बयान करता आ, हया लोगों के हया की वजह से इन अल्लाह अल्ला इस अल्ला ताला को हक़ कहने में कोई शर्म नहीं है लेकिन अल्लाह ताला बंदों को ये तालीम ज़रूर देता है कि किसी बात को कहने का क्या तरीका होना चाहिए तो जमा को जो अमल है मर्द औरत का उस अमल को अल्लाह ताला ने छूने के लफ्ज से बोला छूना कहा अच्छा जमा का मतलब भी देखिए क्या होता है जमा मतलब भी इकट्ठा होना होता है इकट्ठा होना यानी लफ्ज जमा जो है उस जमा का क्या मतलब होता है भाई इकट्ठा होना तो हदीस में जो लफ्ज जिमा है अब तो बार बार बोलने की वजह से हम लोगों को वही समझ में आता है लेकिन जब अल्लाह के रसूल ने अपने साहबा से बात कही थी तो उस वक्त भी वो इशारा ही था जिमा यानी ये कि जब मियाँ बीवी इकट्ठे हों तो गुसल है जब मियाँ बीवी इकट्ठे हों तो गुसल है तो इकट्ठा होने से इशारा है तो लफ्ज जिमा भी इशारा ही है ऐसे मुबाशरत का लफ्ज़ बोलते बोलते अब बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट में आ चुका है फट, फट से दिमाग उधर चले जाता है वरना मुबाशरत का मतलब भी क्या होता है यानी कि एक दूसरे को टच करना छूना ही होता है तो उससे भी ये इशारा ही था तो यहाँ लम्स में भी लामसा में भी इशारा ही है छूना अच्छा एक बात एक नुकता इसमें यह है कि जो लोग कहते हैं कि यहाँ छूने से मुराद आ, क्या नाम से छूना खाली है उनके खिलाफ असल में लामसासू का मतलब होता आपस में एक दूसरे को छूना आपस में एक दूसरे को छूना तो अलामस तुम्नसा या तुमने तुम में ऐसे किसी ने औरतों को छुआ हो यानी औरत मर्द ने आपस में एक दूसरे को छुआ हो तो यहाँ ये इशारा ज़्यादा वाज़े हो जाता है यानी सिर्फ छूने के मुकाबले में आपस में एक दूसरे को छूने से ये बात जरा क्लियर सी हो जाती है कि ये कौन सा छूना मुराद है है कि नहीं है क्योंकि सिर्फ छूना एक अलग चीज़ है और आपस में एक दूसरे को छूने से यानी दिमाग जाने लगता है उधर कि यह कोई दूसरी बात की बात हो रही है तो यहाँ भी इस बात का यानी खुद कुरान के लफ्ज़ ही में इस बात का इशारा मौजूद है कि यहां वो छूना जनरल मुराद नहीं है बहरहाल ये बात खत्म करते हैं इस पर वरा फ़ी अनुन वमस और उन्होंने यानी अब्दुल्ला बिन अब्बासी से मरवी है कि कुरान की तफसीर में उन्होंने ये बात बताई कि लम्स से मतलब जमा है अन्क छूना छूने से मुराद जमा है तो बाकायदा तफसीर भी मौजूद है लम्स की सहाबी से तो इस लिहाज से भी वो قول मरजूब ہے यानी वह قول सही नहीं है जो लोग कहते हैं कि वजू टूट जाएगा और इसके अलावा आसार भी मौजूद हैं आगे तो इन मैं तो सोच रहा था कि आज खत्म हो जाएगा लेकिन मैं रह गया तो ख़ुलासा ये हुआ आज का आज के सबक़ का कि सबसे पहले मुसनफ़ ने चंद लाइनों में तमहीद बताई है और तमहीद में ये बताया है कि भाई वज़ू अल्लाह से करीब कर देने वाली चीज़ों में से है और अल्लाह ने कुरान में इसका हुक्म दिया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में भी वजू का हुक्म दिया है और बहुत क्लियर अल्लाह के रसूल ने बता दिया है कि क्या चीज़ से वजू टूटेगा और क्या चीज़ से वजू नहीं टूटेगा कुछ आपने छोड़ा नहीं है लेकिन इतना क्लियर होने के बाद भी औरत के छूने के मसले में इतलाफ़ मौजूद है ये तमीद के बाद इन्होंने ये बात कही कहा वो इख्त क्या है का इख्लाफ यह है कि छूने से वजू टूटेगा या नहीं टूटेगा इसमें तीन कौल है एक कौल यह है जिसे शाफाई लोग कहते हैं कि वजू टूट जाएगा दूसरा कौल है जैसा कि ऐनाफ कहते हैं वजू नहीं टूटेगा तीसरा कौल है फर्क करते हैं शावत से छूएगा तो टूटेगा शावत से नहीं छूएगा तो वजू नहीं टूटेगा और यह हम बली कहते हैं अब यह पहले खुलासे में बताने के बाद में सबसे पहले उस मसले को लिया जो कहते हैं वजू टूट जाएगा तो जो कहते हैं आइए जो कहते हैं वजू टूट जाएगा वो उनकी दलील क्या है तो उनकी दो दल दो किस्म की दलीलें हैं एक तो कुरान की दलील है हैलामस्तमनिस और दूसरी कुछ जयीफ और क्या ज़ीफ़ हदीसें और औरीफ़ आसार हैं जिनसे वो दलील पकड़ते हैं लेकिन जो एक उसमें से एक हदीस यहाँ पर मुसनफ़ ने जिक्र किया और उस हदीस के बारे में कहा कि ये हदीस मन्त है और सही है इनकी रिवायत के ख़िलाफ़ भी है दूसरा मसला कि उन्होंने जिक्र किया जो वज़ू नहीं टूटता है उनकी दलील क्या है तो कहा उनकी दलील अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायतें हैं उनमें से एक रिवायत वो पेश की जिसमें है कि अम्मा आयशा सामने होती थी अल्लाह के रसूल नमाज़ पढ़ रहे होते थे नमाज़ की हालत में आपको छू देते थे और उस छूने के बाद आप फिर नमाज जारी रखते थे इससे पता चलता है कि वजू नहीं टूटता है ऐसे ही एक दूसरी रिवायत बयान किया कि अल्लाह के रसूल अपनी बास बीवियों को बोसा करते थे और उसके बाद में आप वजू नहीं करते थे बगैर वजू के आप नमाज़ पढ़ने चले जाया करते थे इससे भी पता चलता है कि छूने से वजू नहीं टूटता है फिर अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी की तफसीर मौजूद है कि लम्स से मुराद आ, क्या नाम से जमा है लम्स से मुराद जनरल छूना नहीं है और इसके लिए कई अल्फाज आते हैं लम्स है मस् है मुबाशरत है कहते हैं इन तीनों अल्फाज से जमा ही मुराद होता है अल्लाह तबारक ताल ने यहाँ पे जमा को इशारे में लम्स बोल बोला है बस खुलासा हो गया जीवारे। 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 जीव